हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास. बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव सेंड यू द बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 11. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉपी वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइंस एंड लाइंस. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस, स्ट्रेट एंड कर्व्ड. एंड देयर आर थ्री कैटेगरीज इन स्ट्रेट लाइंस. द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं. Vertical line, that is also called as standing line. Then slant line, like this. ये तीनों straight line की category में आती हैं. Horizontal, vertical and slant. Horizontal को हम sleeping line भी बोलते हैं, vertical line को हम standing line बोलते हैं. Then there is curved line. Curved line का मतलब जिसमें curve हो, घुमाव हो, ऐसी line को हम curved line बोलते हैं. Okay. Now the first question is, count the number of horizontal, vertical and slant lines in the given pictures. आप दी हुई pictures में horizontal, vertical और slant lines count करके बताएंगे. जैसे given picture है, इसमें देखिए आपको कोई standing line नहीं दिख रही, that is vertical line कोई है नहीं, that is zero. तो vertical line is zero, horizontal line, ये एक horizontal line है, that is one. Slant line दो है हमारे पास, two. Hexagon count करिए, one, two, two horizontal line. वर्टिकल लाइन कोई भी नहीं है सीधी, सीधी से मतलब खड़ी, स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए वर्टिकल लाइन ज़ीरो. स्लैंट लाइन 1, 2, 3, 4, स्लैंट लाइंस 4. नाउ इन दिस फिगर वन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन टू स्टैंडिंग लाइंस, दैट इज वर्टिकल लाइंस एंड टू स्लैंट लाइंस. देन इन दिस ट्राइंगल one horizontal line, one vertical line and one slanting line. Horizontal, that is sleeping, vertical standing and slant line, 1, 1, 1. Okay, now true false. A curved line can be drawn using a scale. हम curved line को scale से draw कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो घुमाव वाली होती है, हम scale से draw नहीं कर सकते. So that is false. Horizontal lines are also called sleeping lines. True, horizontal lines को हम sleeping lines भी बोलते हैं. वर्टिकल लाइंस कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ स्केल, येस, वर्टिकल लाइंस को हम स्ट्रेट की हेल्प से सीधा ड्रॉ कर सकते हैं. अ बलून शोज कर्व लाइंस, क्या एक बलून में आपको कर्व लाइन शो होती हैं, ऐसे घुमा हुआ होता है ना बलून, येस, दैट इज कर्व लाइन. तो इट मीन्स द ट्रू, इट इज ट्रू. नाउ फिलअप्स, वर्टिकल लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन्स. वर्टिकल लाइन्स को हम स्टैंडिंग लाइन्स भी बोलते हैं. Horizontal lines are also called sleeping lines. Horizontal line को हम sleeping lines भी बोलते हैं. Dash lines are not straight. कौन सी lines straight नहीं होती हैं? Curved lines, क्योंकि इनमें घुमाव होता है. The last question is, take the figures having curved lines. अब आपको उन pictures को दोनों में से, देखिए इन दो में से आपको उस picture को tick करना है जिसमें curved line हो. देखिए T में एक horizontal line है, एक vertical line है, कोई भी curved line नहीं है. और S में ये सब कर्व्ड लाइन है दोनों, तो एस को हम टिक करेंगे. सन है और ये बॉक्स है, इसमें वर्टिकल हैं दो लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लीपिंग लाइंस. तो दैट मींस सन हैज कर्व लाइन. देखिए इसमें गोल है ना, और कर्व का मतलब गुलाई होना, घुमाव होना. देन वन एंड सिक्स, वन और सिक्स में, सिक्स में देखिए कर्व लाइन शो हो रही, जबकि वन में कोई कर्व लाइन नहीं है. देन ये हेमीस्फीयर है, आधा है ना स्फीयर बना हुआ, और इसमें घुमाव दिख रहा है हमें, इसमें देखिए कोई भी घुमाव नहीं है, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और दो स्लैंट लाइंस हैं. तो इट हैज़ वन कर्व लाइन, इसलिए हम इसे चूज़ करेंगे. ओके बेटा, डू दिस वर्क इन द कॉपी. व्हेन यू विल गेट दिस, देन डू दिस वर्क इन द कॉपी. यू विल गेट द PDF ऑफ दिस कॉपी वर्क ऑफ चैप्टर 11. आपको इस वीडियो से वर्क नहीं करना है देख के, आपको इस वीडियो से समझना है. जब आपको PDF मिलेगी, एट दैट टाइम यू विल डू द चैप्टर 11 इन योर मैथ्स कॉपी. ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.